पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, चालीसा के इस अवसर पर हम प्रभु यीशु के शब्दों पर, वचनों पर ध्यान देते हैं और विशेष करके जो क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु ने जो कहा है उसके बारे में हम मनन चिंतन करके आ रहे थे। आज हम पहुंच गए हैं सातवां शब्द में, सातवां वचन में। मैं आपके लिए ये पवित्र सुसमाचार से पढ़ना चाहता हूँ, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 45 और आगे। जब लगभग दोपहर हो रहा था, सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया था। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य परमात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन सब घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। प्रभु यीशु का सात शब्दों का आखिरी शब्द, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। यह शब्द यीशु ने सीखा था माता मरियम से, क्योंकि यहूदी स्त्रियां अपने बच्चों को स्तोत्र गीत 31 वहां से एक शब्द सुनाई देती थी और सो जाने के पहले ये शब्द को दोहराने के लिए उन्हें आदेश देती थी। ये शब्द इस प्रकार है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। तो बचपन से ही यीशु इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करके आया है और अभी उनका जीवन का आखिरी शब्द यही शब्द है। आबा पिता को बहुत प्यार से पुकारता है और कहता है, हे आबा पिता, मेरी आत्मा को मैं आपके हाथों सौंप देता हूं। हमें मालूम है जब कोई क्रूस पर टांगे हैं कितना मुश्किल होता है उनको शब्द निकालने के लिए अपने श्वास कोश से, क्योंकि ये तीन कीले के सहारे क्रूस पर टांगे हुए इंसान, उनका शरीर झुक जाता है और इतना झुक जाता है कि श्वास लेना इतना मुश्किल हो जाता है। तो श्वास लेने के लिए वे अपने पैर के बल अपने आप को ऊपर उठाता है और बहुत मुश्किल से श्वास लेता है। इसी प्रकार श्वास लेते हुए यीशु ने सात शब्द कहा है। सबसे पहला शब्द यह था, आपको याद है, कि आबा पिता इन्हें क्षमा दे, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा शब्द में प्रभु यीशु ने उस डाकू को स्वर्गराज का वादा किया, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। और फिर यीशु ने अपने माता को देखा और कहा, फद्रे, ये तुम्हारा बेटा है, इशारे करते हुए अपने चेहरे से शायद योहन की ओर, और योहन से कहता है, तुम्हारी माता है। और फिर यीशु अपने आवाज ऊपर उठाते हुए आबा पिता को पुकारते हैं, कहते हैं, यलो यलो लमा सबक्तानी, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे क्यों त्याग दिया है। फिर यीशु कहता है, मैं प्यासा हूं। और इसके बाद यीशु कहता है, सब कुछ पूर्ण हो गया। और फिर आखिरी शब्द में यीशु कहता है, हे आबा पिता, मैं मेरे आत्मा को आपके हाथों सौंप देता हूं। इस प्रकार कहते हुए ऊंचे स्वर से रोते हुए यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया, इस प्रकार संत मार्कुस ने हमें बताया है। देखिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के सबसे दुख के अवसर पर उन्होंने सारा आसरा आबा पिता में रखा और ये सब यीशु ने सहा, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए सहा है। पूरा दुख भोग मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, सारे दुनिया के पाप को ले जाने वाला मेमना बनकर यीशु अपना प्राण त्याग देता है। प्रिय भाई बहनों,
हम इसाईस का ग्रंथ से वह पाठ पढ़े जहां पर यीशु का इस प्रकार का परोपकारी कार्य के बारे में लिखा है। अध्याय 53 में हम सुनते हैं, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम फले चंगे हो गए हैं। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पाप का भार डाला है। और आखिरी में ये भी लिखा है, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। तो हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेते हुए, हमारे लिए प्राश्चित करते हुए प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना करते हुए अपना प्राण त्याग दिए हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें आज विशेष करके सबसे पहले पश्चाताप करना है, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तब सचमुच हम प्रभु के इस बलिदान का फल अपना सकते हैं। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं और प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, उनके सहारा नहीं लेते हैं, तो ये सब हमारे लिए निष्फल है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग और क्रूस मरण द्वारा सारे दुनिया वालों का पाप का प्रायश्चित किया है। पर ये हमारे लिए जरूरी है कि हम यीशु में विश्वास करें और हमारे पापों के लिए पछतावा करें और यीशु के पास जाकर उन जैसे जीने के लिए कोशिश करें। और विशेष करके हम अपने आप को सबसे पहले प्रभु अब्बा पिता के सामने समर्पित करें। दुख और परेशानी हर इंसान को प्राप्त होता है। हम सबको इस दुनिया में जीते हुए दुख झेलना पड़ता है। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अपने ही लोग हमें तिरस्कार करते हैं, हमें बाहर छोड़ देते हैं और हमारा परवाह नहीं करते हैं और हमारे ऊपर अन्याय करते हैं, कभी पाप करते हैं, तो इस प्रकार हमें दुख झेलना पड़ता है इस दुनिया में। और जब हमें दुख मिलता है हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। पर प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे इन दुखों को यीशु के पवित्र क्रूस के सामने रखते हुए यीशु के दुख भोग का सहभागी बनना है। इसी प्रकार वह दुख कल्याणकारी बन जाता है हमारे लिए और सब लोगों के लिए, विशेष करके उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुख दिया है। आइए हम यीशु से प्रेरणा पाकर इसी प्रकार हमारा जीवन बिताए। सुख या दुख सब कुछ यीशु के सामने समर्पित करें, आप बाप पिता को दे। और यीशु का अपना शब्द इस्तेमाल करते हुए हम कहें कि अब्बा पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। ये शब्द हमारे जीवन में हमेशा रहना है और हमारे आखिरी शब्द में भी, विशेष करके जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को अब्बा पिता के हवाले करेंगे और उनके स्वर्ग राज्य में सम्मिलित हो जाएंगे। सबको जय जीसस।